दोस्तों अभी हम लोग हनुमानगढ़ी में हैं और श्या बलराम का भक्त प्रिय हनुमान जी के लिए यहाँ पर फूल माला लेंगे और हनुमान जी का भोग जो लगता है ये लड्डू प्रसाद है और हम लोग यहाँ पर चप्पल जूता खोल करके बाबा के दरबार में प्रवेश करने वाले हैं। यही वो ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी मंदिर है। बिना हनुमान जी का दर्शन किए रामलला का दर्शन करना असंभव सा है, क्योंकि तुलसीदास भी हनुमान जी का दर्शन करके ही राम जी को प्राप्त कर सके थे। जय सियाराम। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कितनी लंबी कतार लगी हुई है ये हनुमानगढ़ी मंदिर के पास, क्योंकि आज शनिवार है। ये बजरंगबली का दरबार है, ये बाबा की कृपा है। जय सियाराम। और हमारे पीछे ये लंबी कतार लगी हुई है, देख रहे हैं। जय जय सियाराम। प्रसाद और फूल माला से हम लोग आज यह भोग लगाएंगे राम जी को और हनुमान जी को। अभी हम लोग हनुमान गढ़ी मंदिर में कतारबद्ध हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी लंबी भीड़ लगी हुई है। श्याराम दोस्तों, तो बाबा का दर्शन हो गया हनुमानगढ़ी में। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से प्रभु श्री राम का दर्शन करने, रामलला का दर्शन करने, और हमारे साथ ये मित्रगण भी हैं। जय जय सियाराम। यहाँ पर भंडारा में हम लोग को खिचड़ी मिल रहा है अयोध्या धाम में, और ये लोग खिचड़ी का वितरण कर रहे हैं। जय जय सियाराम। कैसा कैसा भैया बताइए। प्रसाद तो जीवन में अमृत है। जय श्रीराम। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अयोध्या की, राम जन्मभूमि की जितने भी सारी दुकान हैं सब भगवामय और सब राममय सजा दिया गया है दुकान को। आप लोग देख रहे हैं हर एक दुकान पर स्वास्तिक, बजरंगबली का, जय श्रीराम, अनेक तरह के धार्मिक चिन्ह बनाए गए हैं। और यह सच माने तो यह प्राचीन अयोध्या की अब पुनरुत्थान हो रही है। जय सियाराम।